वेलकम टू रीकैप वाला। साल 2017 में आई हमारी आज की मूवी है फ्यूरियस। ये एक फॉरेन वॉर एक्शन मूवी है जिसमें एक हिस्टोरिक जंग का जिक्र हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1223 से, जहां मंगोल्स के साथ रशिया की बेहद सी रियासतों की जंग अभी खत्म हुई है, जिस लड़ाई को बैटल ऑफ कालका रिवर कहा जाता है। इसी बीच कुछ रशियन आदमी जंगल में शिकार पे निकले हैं, जिनके साथ उनके शहर के दो बच्चे भी हैं, जिनका नाम है नास्त्या जो बांसुरी बजाती है और कॉलव्रात जो तलवार चलाना सीख रहा है और बड़ा होके एक रॉयल गार्ड बनना चाहता है। अचानक इस ग्रुप पे मंगोल सोल्जर्स हमला कर देते हैं, जिन मंगोलों का लीडर होता है कमांडर खोस्तो, और मंगोल्स उन सभी रशियंस को मारने लगते हैं। कॉलव्रात नास्त्या को घोड़े पे बिठा के वहां से भगा देता है ताकि वो शहर जाके उनके लिए मदद ला सके, और वो मरे हुए रशियंस की दो तलवारें उठा के मंगोलों से लड़ने लगता है। पर खोस्तो अपने एक हथियार से उसके गले पे वार करता है, जिससे उसका गला घुटने लगता है। और तभी हम 14 साल के बड़े हो चुके कॉलव्रात को देखते हैं, जो अपने बेड से बंधा होता है और रोज यही सपना देख के उठता है, जिसे अपने प्रेजेंट के बारे में कुछ याद नहीं होता। उसकी चीखें सुन के नास्त्या भागती हुई उसके पास आती है, जिसे अब इस सब की आदत होती है, और वो उसे बताती है कि कॉलव्रात को मरा हुआ सोच के मंगोल्स उसे वहीं छोड़ के चले गए थे, और अब वो इस रायजान शहर का एक रॉयल गार्ड है और उसका हस्बैंड है जिनके दो बच्चे हैं। नास्त्या की बातें सुनके और अपने घर में वॉक करके कॉलव्रात को चीजें याद आने लगती हैं, और उसे पता चलता है कि बचपन की चोट की वजह से उसकी मेमोरी पे गहरा असर पड़ा है, और वो रोज सोने के बाद इसी हालत में उठता है। इसीलिए नास्त्या उसे बांध देती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। सुबह अपने ब्रेकफास्ट से पहले ही उसे खारखून नाम का एक सोल्जर बुलाने आता है और कहता है कि शहर के राजा ने उसे शहर की वॉल्स पे फौरन बुलाया है, जहां जाके वो रायजान शहर के सभी सोल्जर से मिलता है जो उसकी बेहद इज्जत करते हैं। इस शहर का राजा यूरी कॉलव्रात से सलाह मांगता है, क्योंकि दूर से कुछ सोल्जर्स उनके शहर की दीवारों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर उनके पास कोई झंडा नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए यूरी कंफ्यूज होता है कि उनपे अटैक करना चाहिए या नहीं, और कॉलव्रात उनपे अटैक करने के लिए मना करता है, और उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि ये सोल्जर्स कोई मंगोल नहीं बल्कि पड़ोसी स्टेट के एक प्रिंस और उसके कुछ सोल्जर्स होते हैं, जो यूरी के पोते की बैप्टिज्म सेरेमनी के लिए रायजान शहर आ रहे होते हैं। और उनका वेलकम करने के बाद कॉलव्रात अपने सोल्जर्स को रोज की तरह हथियारों की ट्रेनिंग देने लगता है। ट्रेनिंग के वक्त यूरी का बेटा और इस शहर का प्रिंस फीडोर भी वहां आता है, जो ट्रेनिंग में लेट आने के लिए कॉलव्रात से माफी मांगता है, क्योंकि वो अपने बेटे की बैप्टिज्म सेरेमनी की तैयारियों में बिजी था, और वो कॉलव्रात को सेरेमनी में आके अपने बच्चे का गॉड फादर बनने के लिए कहता है, जिस बात के लिए वो मान जाता है। इसके बाद फीडोर भी बाकी सिपाहियों के साथ प्रैक्टिस करता है, पर बीच ट्रेनिंग में गिरने की वजह से वो एम्बेरस होता है और वहां से चला जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कॉलव्रात अपने घर वापस आता है और नास्त्या को एक बांसुरी गिफ्ट में दे देता है, जो उसने आज खुद बनाई है, और नास्त्या उसे एक बॉक्स में रख देती है, और उस बॉक्स के अंदर देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें वैसी दर्जनों बांसुरियां होती हैं, क्योंकि कॉलव्रात रोज ही नास्त्या को एक बांसुरी बना के देता है, पर सोने के बाद अगले दिन वो सब कुछ भूल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शहर के सभी खास लोग फीडोर के बेटे की बैप्टिज्म सेरेमनी के लिए शहर के चर्च में आए हुए हैं, और तभी एक आदमी वहां आके शोर मचा देता है कि मंगोल हमारे शहर की तरफ आ रहे हैं, और सभी लोग दहशत से बाहर भागने लगते हैं। पर कॉलव्रात सेरेमनी खत्म होने तक बच्चे और पादरी के साथ ही रुकता है। यूरी और फीडोर शहर की वॉल से देखते हैं कि एक बड़ी मंगोल आदमी उनके शहर के ठीक सामने जमा हो रही है, और वो शहर में आने जाने वाले सभी दरवाजों को सिक्योरिटी के लिए बंद करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद यूरी सभी मिनिस्टर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और सबके सजेशंस मांगता है। जब फीडोर कहता है कि हमारे रशियन फाइटर्स बेहद काबिल हैं और गिनती में कम होने के बाद भी हमें अपने सर्वाइवल के लिए उनसे लड़ना चाहिए, एक मिनिस्टर राजा को सलाह देता है कि हमें जंग को अवॉइड करके अपनी सरकारी खजाने से ढेर सारा गोल्ड मंगोलों को दे देना चाहिए, जिससे हम गरीब तो हो जाएंगे पर हम सबकी जान बच जाएगी। पर यूरी फैसला करता है कि हमें उन्हें बातों में उलझा के बाकी राजाओं से हेल्प मांगनी चाहिए, इसीलिए वो फीडोर को शहर के कुछ बेस्ट सोल्जर्स के साथ मंगोलों से मिलके नेगोशिएट करने का ऑर्डर देता है। राजा के महल के बाहर कॉलव्रात देखता है कि शहर के लोगों में भगदड़ मची पड़ी है और सभी लोग सेफ जगहों में छुप रहे हैं। तभी उसकी टक्कर एक जकार नाम के आदमी से होती है, जो शहर का एक डॉक्टर होता है, और वो कॉलव्रात से शहर से थोड़ी देर बाहर निकलने के लिए बोलता है ताकि लोगों के लिए कुछ जरूरी दवाइयां इकट्ठा कर सके। पर कॉलव्रात उसे याद दिलाता है कि मंगोलों ने शहर को घेर रखा है और यूरी के ऑर्डर्स के बिना कोई भी इस वक्त बाहर नहीं जा सकता। अपने घर आके वो देखता है कि यूरी वहां आया हुआ है, और वो उसे अपने बेटे फीडोर
कोलवरात और कुछ सोल्जर्स के साथ मंगोलियों से जाके बात करने का ऑर्डर देता है। कोलवरात उसे अपनी मेमोरी इश्यू के बारे में याद दिलाता है और नास्क्या भी ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि शहर से बाहर उसे अपने प्रेजेंट के बारे में याद दिलाने के लिए कोई भी नहीं होगा और वो यूरी को ये ऑर्डर ना देने की रिक्वेस्ट करती है। पर यूरी कहता है कि कोलवरात इस शहर का बेस्ट फाइटर है और मैं बस इसके साथ ही अपने बेटे की सेफ्टी के बारे में ट्रस्ट कर सकता हूँ और यूरी उनके घर से चला जाता है। शहर के गेट पे सोल्जर्स जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और खारकून भी उनके साथ जा रहा होता है। कोलवरात जकार को भी अपने ग्रुप के साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है और जकार मंगोलों की भाषा समझता है और उसके मना करने पर खारकून उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। नास्क्या कोलवरात को अपनी घर की मेड लीना से मिलवाती है जिसे उसने कोलवरात के सुबह का सारा रूटीन समझा दिया होता है और वो उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है ताकि वो यहाँ शहर में बच्चों के साथ रुक सके। कोलवरात समेत सभी सोल्जर्स अपनी फैमिली को गुड बाय बोल के काफी सारा वैल्यूएबल सामान लेके राइजन शहर से निकल जाती हैं और मंगोल आर्मी के कैंप में पहुंचते हैं जहां उस आर्मी का लीडर बाटू खान उनसे मिलता है जो चंगेज खान का पोता होता है। मंगोल्स उनके लाए हुए गिफ्ट कबूल करते हैं और बाटू खान उनकी यहाँ आने की वजह पूछता है। रशियंस एक एक करके उसे अपने शहर पे अटैक ना करने को बोलते हैं पर उससे उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें एक मैप दिखाता है और कहता है कि इस देश में उसे काफी इंटरेस्ट है और वो इस पे कब्जा करने की शुरुआत उनके शहर रायजान से करने वाला है। बाटू खान कहता है कि जो भी उसके सामने घुटने टेक देगा उससे मंगोल्स बेहद अच्छे से पेश आएंगे, जिसपे फेडोर कहता है कि वो उसे घुटने टेकते हुए देखना चाहता है, जो सुन के खान के सोल्जर्स भड़क जाते हैं। सिचुएशन संभालने के लिए कोलवरात जो उसके मैप को ध्यान से देख रहा होता है अपनी सीट से उठता है और बाटू खान से कहता है कि उसे रायजन शहर के लिए उन सब की लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। खान कहता है कि उसने भी किसी के सामने घुटने टेकना नहीं सीखा पर वो कोलवरात की दिलेरी देख के उसे एक गोल्डन लेटर होल्डर पहनने के लिए देता है और कहता है कि जंग के वक्त अगर तुमने ये पहन लिया तो कोई भी मंगोल तुझ पे अटैक नहीं करेगा और तू सीधे मुझ तक बात करने के लिए आ सकता है। इसके बाद अपने लाए गए गिफ्ट्स के बदले में मंगोल्स रशियंस को ड्रिंक्स और डांस देखने के लिए इनवाइट करते हैं पर ये बस उनकी एक ट्रिक होती है और मंगोल्स उनपे हमला करने के लिए उन्हें उस टेंट में घेरने लगते हैं। रशियंस जिन स्लेव्स को अपना सामान ढोने के लिए लाए होते हैं वो सभी उनके टेबल के नीचे पैरों में बैठे होते हैं और मंगोलों को देख के वो अपने देश के लोगों को वार्न कर देते हैं और रशियंस केयरफुल होके मंगोलों से लड़ाई शुरू कर देते हैं और कोलवरात सभी को उस टेंट से बाहर निकालने में कामयाब रहता है और वो रशियन स्लेव्स भी मंगोलों की तलवारें छीन के उन पे अटैक कर देते हैं और रशियंस उनके घोड़े चुरा के वहां से जंगलों में भागने लगते हैं। पर फीडोर को एक आर्चर तीर मार के घायल कर देता है और वो वहीं रुक के अपने साथियों को कवर देने के लिए मंगोल सोल्जर से लड़ने लगता है पर बाटू खान का सेनापति कमांडर खोस्तू वहां फीडोर का सर काट देता है। बाटू खान अपनी आर्मी के सोल्जर से कहता है कि उन रशियंस का पीछा करके अपना टाइम वेस्ट मत करना और अब सीधा उनके शहर पे अटैक कर दो। उधर जंगल में कोलवरात और उसके आदमी एक बर्फीले तूफान के बीच में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते जब उनका सामना एक बेहद बड़े और खूंखार भालू से होता है पर वो जानवर उन पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो एक नेस्टर नाम के रशियन आदमी का पालतू होता है। नेस्टर उन सबको ठंड से बचाने के लिए एक गुफा में ले जाता है जहां सब आग जला के रेस्ट करने लगते हैं पर कोलवरात नहीं सोता क्योंकि सो के उठने के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। बाटू खान के टेंट में देखा मैप कोलवरात को अब भी याद होता है इसलिए वो एक कपड़े पे वो मैप ड्रॉ करने लगता है ताकि नींद आने से पहले उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर सके। दो दिनों के बाद वो तूफान रुक जाता है और मौसम साफ होने के बाद कोलवरात और सभी लोग नेस्टर से अलविदा लेके अपने शहर की तरफ जाने लगते हैं पर उन्हें वहां आने में बेहद देर हो गई होती है और वो सब देखते हैं कि मंगोल आर्मी रायजन शहर को तबाह करके आगे बढ़ चुकी है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे रायजन शहर के ऊपर मंगोलों ने पत्थर और आग की बारिश की थी और शहर का मेन डोर तोड़ के अंदर आने के बाद उन्होंने शहर की फेमस बेल को भी गिरा दिया था। यूरी को बांध के तीरों से निशाना बनाया गया था और फीडोर की वाइफ ने अपने बच्चे के साथ मंगोलों से बचते हुए आग में जंप कर लिया था। नास्क्या और कोलवरात के बच्चे अपने घर में ही जल के मारे गए थे और अपने घर के मलबे में कोलवरात को नास्क्या के लिए बनाई हुई उन बांसुरियों का ढेर मिलता है जो देख के वो टूट जाता है। वो अपने आदमियों के साथ शहर की उस मेन बेल को खींच के वापस लगाता है और बेल को जोर जोर से बजाता है ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स हों तो वो बाहर आ जाए और मलबे में से कई सर्वाइवर्स बाहर आते हैं जिसमें मोस्टली कुछ इंजर्ड औरतें और बच्चे होते हैं। बेल की आवाज से उस मंगोल सोल्जर्स भी उनकी तरफ आने लगते हैं और कोलवरात सबको छुपने के लिए बोल के तुरंत एक प्लान बनाता है और बेल के नीचे अकेले बैठ जाता है।
उसे अकेला देख के मंगोल सोल्जर्स उसे बेल की रस्सी से ही फांसी पे चढ़ाने लगते हैं, पर जैसे ही वो सोल्जर्स गुस्से में उबल रहे कोलरात के पास आते हैं वो उनपे टूट पड़ता है और उसके दो तलवारों से फाइट करने की स्पीड देख के वो सभी चौंक जाते हैं और वो कई सोल्जर्स को काट डालता है। जब मंगोल्स नंबर में कम हो जाते हैं तभी खारकून तीरों से और बाकी सोल्जर्स बाहर आके तलवार और भालों से बाकी मंगोल्स पे अटैक कर देते हैं। उन सोल्जर्स को मारने के बाद वो एक प्लान बनाता है और अपना मैप देख के वो डिसाइड करता है कि उन्हें मंगोल आदमी को बाकी रशियन शहरों पे अटैक करने से पहले रोकना होगा और वो सर्वाइवर्स में से तीन आदमियों को चुनता है जो अलग अलग डायरेक्शन में जाके सभी शहरों को मंगोल्स के अटैक के बारे में वार्न करेंगे और एक आदमी सभी बच्चों को सेफ्टी के लिए नस्टर की गुफा तक पहुंचाएगा जहां वो बच्चे सेफ रहेंगे। उनकी हेल्प करने के लिए जकार बड़े अमाउंट में एक दवाई बनाता है और उसे मंगोलों की वाटर सप्लाई में मिला देता है, जिस पानी को पीने से आगे बढ़ रही मंगोल आर्मी के कई सोल्जर्स बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें प्रवोक करने के लिए कोलरात एक तीर पे बांध के एक मैसेज भी भेजता है और उसकी इस हरकत से जनरल खोस्तू भड़क जाता है और उसे मारने के लिए अपने कुछ आदमी भेजता है और कोलरात को अकेला देख के वो आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। पानी का बदला लेने के लिए जो सोल्जर्स उसे मारने आते हैं उनके लिए रशियन आर्चर्स पहले ही रेडी होते हैं और वो मंगोल्स कोलरात को छू भी नहीं पाते और रशियंस के तीरों का निशाना बन जाते हैं। इसके बाद कोलरात जो पिछले तीन दिनों से सोया नहीं होता नींद से बेहोश हो जाता है और उसका ग्रुप वहीं एक कैंप लगा के रेस्ट करने लगता है और लीना उसे एक पेड़ से बांध देती है और भगवान से प्रे करने लगती है। कई घंटों के बाद जब लीना उसे जगाती है तब कोलरात हमेशा की तरह अपने सपने से उठ के चीखने लगता है और लीना उसे नास्ता की कही हुई सारी बातें बोलने लगती है, पर अपनी बात खत्म करने से पहले ही वो कोलरात के हाथों को खोल देती है जिससे वो छूट के अपने ही साथियों पे हमला कर देता है और उसके साथी बेहद मुश्किल से उसे कंट्रोल में लाते हैं और खारकून उसे प्रेजेंट की सारी खबर देता है और होश में आने के बाद वो अपने साथियों और लीना से माफी मांगता है। उसके भेजे हुए दो मैसेंजर्स दूसरे रशियन राजाओं तक पहुंच के उन्हें मंगोल आर्मी के बारे में बताने लगते हैं और कोलरात का मैसेज देके उनसे हेल्प मांगते हैं, पर वो राजा कहते हैं कि वो अपने लोगों के पास यहीं रुक के मंगोलों से लड़ेंगे और वो सब इस वक्त कोलरात की कोई हेल्प नहीं कर सकते। तीसरा मैसेंजर सर्दी में बीमार पड़ जाता है और अपने घोड़े पर ही बेहोश हो जाता है जिसका घोड़ा उसे गलत डायरेक्शन में ले जाता है। रात को कोलरात अपने आदमियों के साथ मंगोल आर्मी के बड़े से कैंप में घुस जाता है और उन्हें किसी भूत की एक्टिंग करके डराने लगता है जिससे कुछ सोल्जर्स डर के भाग जाते हैं और कुछ को वो मार डालते हैं। उन सोल्जर्स को मार के वो मंगोलों की ही कैटापुल्ट गुलेल से उन्हीं के कैंप पे हमला कर देते हैं और उनके सैकड़ों टेंटों को जला के वहां से भाग जाते हैं और कोलरात फिर से एक तीर में मैसेज बांध के खोस्तू तक पहुंचाता है, जो मैसेज वो बाटू खान को दिखाता है। मंगोलों पे इस सक्सेसफुल अटैक के बाद सभी रशियंस वापस जंगलों में आके सो जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनके भेजे हुए मैसेंजर्स कल सोल्जर्स के साथ यहाँ आएंगे और कोलरात जो सो नहीं पा रहा होता उसे जंगल के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उन आवाजों को फॉलो करता हुआ बाहर आ जाता है और उसे अपने भेजे हुए तीसरे मैसेंजर की डेड बॉडी मिलती है जिसे मंगोलों ने पकड़ लिया था और कोलरात समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और जनरल खोस्तू वहां आके अपने आदमियों के साथ उस पर अटैक कर देता है। अकेला होने के बाद भी कोलरात दो तलवारों से एक के बाद एक मंगोल सोल्जर्स को मारने लगता है और जनरल खोस्तू भी उसकी स्पीड देख के इम्प्रेस होता है। तभी वहां एक बर्फीला तूफान आ जाता है पर कोलरात मंगोलों से लड़ता रहता है और जब खोस्तू अपना वही हथियार कोलरात के गले पे फेंकता है जो उसने सालों पहले फेंका था तब कोलरात उसे भी अपनी तलवार से रोक लेता है। तूफान और तेज हो जाता है और तभी नेस्टर और वो जाइंट भालू जंगल से बाहर आके मंगोलों पे हमला कर देते हैं और उस भालू को कोलरात के साथ फुट से लड़ता हुआ देख के मंगोलों को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। बचे हुए सोल्जर्स जब अपने कैंप वापस जाते हैं तो वो सब बाकी मंगोलों से कोलरात की रूहानी ताकतों के बारे में बातें करने लगते हैं और मंगोल आर्मी में ये बात फैलने लगती है कि उसे मारा नहीं जा सकता। जनरल खोस्तू भी बाटू खान से कहता है कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, पर उसने अपनी आंखों से कोलरात को एक बर्फीला तूफान को पैदा करते हुए और एक जंगली भालू को कंट्रोल करते हुए देखा है और उसकी ये बातें सुनके खान अपनी तलवार निकाल लेता है और खोस्तू को आर्मी रेडी करके उस जंगल में चलने को कहता है ताकि वो कोलरात को मार के इस अफवाह को हमेशा के लिए खत्म कर सके। उधर जंगल में नेस्टर उस भालू को आजाद कर देता है और मंगोलों से लड़ने के लिए कोलरात के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और वो अपने साथ पास के गाँव से कुछ आदमी भी उनकी हेल्प लाया होता है। खारकून सबको बताता है कि हमारा प्लान काम कर गया और अब मंगोल रशिया में आगे बढ़ने की जगह हमारे पीछे जंगलों में आ रहे हैं, जिस न्यूज से सभी बेहद खुश होते हैं। पर नेस्टर कोलरात को याद दिलाता है कि उसकी गुफा में रायजन शहर के सर्वाइवर बच्चे हैं जिन्हें यहाँ से दूर भेज देना चाहिए।
कोलवरार एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम सभी यहीं रुक के मंगोल आर्मी से लड़ेंगे और उन्हें यहाँ रोक के रखेंगे ताकि खारखून लीना और सभी बच्चों के साथ नदी पार करके यहाँ से निकल सके, क्योंकि पानी के रास्ते वो घोड़ों से कहीं ज्यादा तेज ट्रैवल कर पाएंगे और यही बचे हुए बच्चे आगे जाके एक नया राइजन शहर बसा पाएंगे। कोलवरात के प्लान को फॉलो करते हुए खारखून उससे अलविदा लेता है और लीना और सभी बच्चों को एक स्लेज पे बिठा के एक घोड़े के साथ वहाँ से निकल जाता है और कोलवरात और बचे हुए करीब सभी 30 आदमी पेड़ों को काट के आने वाली मंगोल आर्मी के लिए ट्रैप्स बनाने लगते हैं और एक बर्फ से ढके पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में बाटू खान लाखों मंगोल सोल्जर्स के साथ उस पहाड़ के सामने आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने को बोलता है, पर मंगोल्स का पहला अटैक वेस्ट हो जाता है क्योंकि रशियंस ऊपर से कटे हुए पेड़ों को उन पे फेंकने लगते हैं और तीरों से कई सोल्जर्स को मार देते हैं और मंगोल्स ऊपर नहीं चढ़ पाते। उधर गिरे हुए पेड़ों की वजह से खारखून को रुकना पड़ता है और वो घोड़े को आजाद करके लीना और बच्चों के साथ ही धक्का मारते हुए उस बोट को पेड़ों के बीच में से निकालने लगता है। मंगोल आर्चर्स हजारों तीर रशियंस पे फायर करते हैं और कोलवरात के कई साथी मारे जाते हैं और मंगोल सोल्जर्स फाइनली पहाड़ के टॉप पर पहुंचने लगते हैं, पर रशियंस बेहद बहादुरी से लड़ते हैं और गिनती में कम होने के बाद भी मंगोलों को मार के पहाड़ से नीचे फेंकने लगते हैं। लड़ाई और ज्यादा खूंखार हो जाती है और कई रशियन सोल्जर्स के साथ नेस्टर और जकार भी मारे जाते हैं। और जब जनरल खोस्टू कोलवरात के सामने आता है तब वो अपने बचपन का बदला लेते हुए खोस्टू का सर काट देता है और बचे हुए रशियंस ये देख के और बहादुरी से लड़ते हैं, पर मंगोल सोल्जर्स गिनती में बेहद ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे सभी रशियंस मारे जाते हैं। पर कोलवरात पहाड़ पर मौजूद सभी मंगोलों को मार के नीचे फेंक देता है और उस पहाड़ के ऊपर अपना झंडा गाड़ देता है। बाटू खान ने कभी नहीं सोचा होता कि कोई भी रशियन कभी उसकी बड़ी सी आर्मी के सामने इतनी देर तक टिक सकता है और मंगोलों को रोक के रखने की वजह से फाइनली खारखून बच्चों और लीना के साथ जमी हुई रिवर तक पहुंच जाता है और हल्की धूप आने पर उनकी बोट सेल करने लगती है, जिस बोट को पहाड़ के ऊपर से देख के कोलवरात बेहद खुश होता है। पर तभी खान के सिपाही कैटापुल्ट गुलेल से पहाड़ के ऊपर पत्थरों से फायर करते हैं और कोलवरात को उन पत्थरों से गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर कोलवरात देखता है कि उसे अब भी सब याद है, जिसका मतलब उसकी मेमोरी वापस आ गई है, पर वो देखता है कि उसके सारे रशियन साथी अब तक मर चुके हैं और कोलवरात अपनी तलवार छोड़ के अपना आर्मर उतार देता है और इंजर्ड हालत में ही पहाड़ से नीचे आने लगता है। वो बाटू खान का दिया हुआ वो गोल्डन लेटर होल्डर दिखाता हुआ आगे बढ़ता है और कोई भी मंगोल उस पर अटैक नहीं करता और बाटू खान के नजदीक आने के बाद वो जमीन पे गिर जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन मेरे देश के लोग तुझसे बदला जरूर लेंगे, और वो लेटर होल्डर उसके हाथ से छूट जाता है और बाटू खान उसे उठाता है, जो देख के कोलवरात स्माइल करता है और कहता है कि मैंने मरने से पहले तुझे एक बार तो घुटनों पर बिठा ही दिया। और अपने आखिरी वक्त में भी कोलवरात की यह बात सुन के खान इमोशनल हो जाता है और कोलवरात के मरने के बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि अगर ये आदमी मेरी आर्मी में होता तो मैं दुनिया जीत लेता। और सभी सोल्जर्स कोलवरात की डेड बॉडी को रिस्पेक्ट देते हुए एक हीरो की तरह पत्थरों में दफनाते हैं और उसकी बहादुरी की याद में वहाँ एक मेमोरियल बनाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कोलवरात की मौत के 5 साल बाद खारखून आज व्लादिमीर आर्मी का लीडर है, जो हजारों रशियन सोल्जर्स को कोलवरात और उन 30 बहादुर सोल्जर्स की स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि अब ये सब मंगोलों से लड़ने जा रहे हैं, जिस जंग को वर्ल्ड हिस्ट्री में बैटल ऑफ आइस कहा जाएगा। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।